हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान चर्चा विद यश सर। जैसा कि आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा ही होगा, हमने डिटेल डिस्कशन किया था वर्ल्ड बैंक के ऊपर, और जो हमारा पिछली वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश। और हम एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रहे हैं, तो आपको जितने हमारे जो वीडियोज हैं वो सब आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लास्ट जब हमने वीडियो बनाई थी वर्ल्ड बैंक के ऊपर, तो हमने उसमें डिस्कस पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, और उसमें लास्ट में जो एक मैंने पूछा था आपसे कि वर्ल्ड बैंक का, यदि कोई देश वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा आता कहां से है। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जब लास्ट वीडियो में डाला था तो उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे। पहले मैं डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। उसमें एक बच्चे का डाउट था कि जो अमेरिका जैसे बड़े देश हैं, क्या विश्व बैंक के ऊपर उनका कुछ कब्जा है, या जो बड़े देश हैं खासकर वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे हम यूएसए की बात करें, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सब की बात करें, तो क्या इन सबका वर्ल्ड बैंक में जो है वो अलग से कुछ प्रावधान है उन सब चीजों के लिए? यस, एक्चुअली अगर हम बात करें डायरेक्टली तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि अमेरिका विश्व का एक सबसे शक्तिशाली देशों में एक है, और चूंकि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था उसी के अनुसार चलती भी है, तो हम कह सकते हैं कि एक छुपे हुए रूप में अमेरिका जो है पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक को काफी हद तक अपने कंट्रोल में ही रखता है। अन्य देश भी हैं जो उसको साथ भी देते हैं, और यदि अमेरिका चाहता है तो वो किसी भी देश को फंडिंग को कम कर सकता है, रोक सकता है, बढ़ा सकता है, उसके प्रभाव में है। एक्चुअली इसमें अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि अमेरिका इसे प्रभावित कर पाता है या नहीं। जब हम इसके बाद जब हमारा वर्ल्ड बैंक का ये जो हमारा सीरीज चल रहा है अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इसके बाद हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, जिसमें हम विश्व के अनेक देशों के अन्य देशों के संबंधों की बात करें, चाहे वो भारत अमेरिका की बात करें, भारत फ्रांस, भारत ब्रिटेन, भारत चाइना और इंडो पाक, इन सबके रिलेशंस की बात करेंगे। तब उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है या प्रभावित करना चाहता है। ये एक अलग टॉपिक, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें काफी तब और चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे हम वीडियोस डालते जाएंगे। अभी हम मेन टॉपिक पर आते हैं, वर्ल्ड बैंक के टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन था कि यदि कोई देश विश्व बैंक का मेंबर बनना चाहता है तो वो किस प्रकार से विश्व बैंक का मेंबर बन सकता है। इसका एक बहुत सिंपल सी एक गाइडलाइन है, यदि कोई भी देश विश्व बैंक का मेंबर बनना चाहता है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसे बनना पड़ता है इसकी सिस्टम कंसर्न्स, इनकी इसकी जो ट्विन सिस्टर है, इसकी जो जुड़वा बहन है, आईएमएफ का सदस्य। जैसे ही कोई देश आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का सदस्य बनता है, वो अपने आप ही वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाता है। ये हो सकता है कि कोई देश आईएमएफ का सदस्य हो और वर्ल्ड बैंक का सदस्य ना हो, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कि कोई देश वर्ल्ड बैंक का मेंबर हो, आईएमएफ का सदस्य ना हो। यानी कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए पहली मान्यता है कि आप आईएमएफ के सदस्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से जो वर्ल्ड बैंक है वो अपने मेंबर्स को सेलेक्ट करता है एक प्रकार से। दूसरी चीज हमने पूछी कि विश्व बैंक के पास पैसा कहां से आता है। विश्व बैंक के पास जो पैसा आता है वो दो रूप से आता है। पहला, आईएमएफ के पास, आईएमएफ के पास जो फंड्स होते हैं उसको वर्ल्ड बैंक यूटिलाइज करता है डेवलपमेंट काम के लिए, अपने मेंबर कंट्रीज को देने के लिए। यानी कि वर्ल्ड बैंक के पास अपना एक प्रकार से कोई फंड नहीं होता, वो आईएमएफ के फंड के साथ काम करता है।
प्लस इसके अलावा वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अपने बोर्ड्स जारी करता है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, विश्व के अनेक देशों में वो अपने बोर्ड्स को जारी करता है और उन बोर्ड्स के जरिए वो पैसा एकत्र करता है और अपने जो मेंबर कंट्रीज है उनको वो लोन्स प्रोवाइड करता है। तो जब लोन प्रोवाइड करता है तो उसके पास इंटरेस्ट आता है और जब उसको इंटरेस्ट आता है तो उसके पास जो है पैसा अपने आप बढ़ता चला जाता है। यानी कि विश्व बैंक आईएमएफ के फंडिंग के साथ काम करता है प्लस विश्व के अनेक बाजारों से वो पैसा इकट्ठा करता है। यानी कि एक बहुत ही क्लियर कट समझ हो गया कि यदि कोई देश विश्व बैंक का मेंबर है तो वह विश्व बैंक को कोई पैसा नहीं देता है। एक डायरेक्ट से ये नहीं कह सकते कि वो कोई मेंबरशिप फीस देता होगा, ऐसा कुछ नहीं करता। क्लियर। अब जब हमें वर्ल्ड बैंक की और जानकारी करनी है तो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए आईएमएफ की, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये दोनों संस्था एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ। इसी की भी स्थापना करें, इसकी स्थापना की बात करें, इसकी भी जो स्थापना हुई वो विश्व बैंक के साथ ही हुई, यानी कि 27 दिसंबर 1945 यानी कि जिस दिन विश्व बैंक की स्थापना हुई उसी दिन आईएमएफ की भी स्थापना हुई। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है, जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है यूएसए में, उसी प्रकार से इसका भी जो हेडक्वार्टर है दैट इज ऑल्सो एट वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। एट प्रेजेंट आईएमएफ की जो चेयरपर्सन है शी इज क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अभी आईएमएफ की अध्यक्षा है जो बुल्गारिया से है और वर्तमान में इनकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये बहुत एग्जाम से पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है आईएमएफ के, शी इज गीता गोपीनाथन, भारतीय मूल की अमेरिकी सिटीजन गीता गोपीनाथन जो है वो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट है, मुख्य आर्थिक कार है। तो इस प्रकार से आईएमएफ का ये एक बेसिक स्वरूप है। अगर हम बात करें आईएमएफ काम क्या करता है, आईएमएफ जिस प्रकार से मैंने बताया था विश्व बैंक विश्व के विकास के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार से आईएमएफ प्रोवाइड्स फंड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आईएमएफ आर्थिक विकास तथा आर्थिक संकट के समय ऋण प्रदान करता है। यानी कि जब भी कोई देश अपना आर्थिक विकास के लिए फंडिंग चाहिए होगा या वो कोई देश अगर आर्थिक संकट में होगा तब उस समय उसकी मदद करने की जिम्मेदारी आईएमएफ की है। जैसे हम बात करें 1991 में जब भारत आर्थिक संकट में था उस समय भारत की मदद करी थी आईएमएफ ने।
किस तरह से मदद करता है, ये अभी आगे पढ़ेंगे अभी आज इसी वीडियो में ही। जहां पिछले साल की बात करें, पिछले जब पाकिस्तान जब आर्थिक संकट के समय में था, तब उस समय आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का फंड देकर उसको आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कार्य किया। यानी कि या आपको आर्थिक विकास करना हो या आर्थिक संकट से बाहर आना हो, तब उसके लिए आईएमएफ आपकी मदद करता है, जितने सदस्य देश है उनकी मदद करने का कार्य करता है। अब कोई देश यदि आईएमएफ का सदस्य बनना चाहता है तो किस प्रकार से बन सकता है? यदि कोई देश आईएमएफ का सदस्य बनना चाहता है तब वह एक अप्लाई करता है, और विश्व के जो सदस्य देश आईएमएफ के मेंबर्स होते हैं उनके सबके पास वोटिंग राइट्स होता है, और उन वोटिंग राइट्स के आधार पर जितने भी सदस्य देश हैं वो उस देश को अप्रूव करते हैं एज मेंबर कंट्री। यानी कि वो देश जो होता है, जो भी अप्लाई करता है मेंबर बनने के लिए, उसको सभी देशों की सहमति के साथ, वोटिंग राइट्स के साथ आईएमएफ का सदस्य बनाया जाता है। अब जो भी सदस्य इसमें बनता है, आईएमएफ का सदस्य बनता है, उसको एक मेंबरशिप फी देनी पड़ती है। ईच कंट्री हैज टू प्रोवाइड मेंबरशिप फी। यानी कि प्रत्येक सदस्य देश को मेंबरशिप फीस या शुल्क अदा करना पड़ता है, और ये जो शुल्क होता है वो उस देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती जाएगी, आपकी मेंबरशिप फी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जिसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगी, अर्थव्यवस्था में ज्यादा फंडिंग होगी, वो देश आईएमएफ को उतना ही ज्यादा फंडिंग करेगा, और उसके आधार पर उसको शेयर अलॉटमेंट की जाती है। यानी कि आईएमएफ में जो हमारा जब पैसा जमा है उसके शेयर अलॉटमेंट की जाती है, यानी कि हमारी उसी के अनुसार हिस्सेदारी निर्धारित की जाती है। और जब हम आईएमएफ में जब हम पैसा जमा करते हैं वो उसी के आधार पर अन्य देशों को फंडिंग करता है, और यही पैसा जो हमने मेंबरशिप फीस के रूप में जमा किया है आईएमएफ के पास, इसी पैसे को वर्ल्ड बैंक भी यूटिलाइज करता है और आईएमएफ भी यूटिलाइज करता है। अब इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करते हैं, और हम आईएमएफ की बात करें। आईएमएफ में हमने बोला कि हमें आईएमएफ में मेंबरशिप फीस जमा करनी पड़ती है, तो ये जो मेंबरशिप फीस है हमें किस करेंसी में अदा करनी पड़ती है, याद रखिएगा। आईएमएफ क्योंकि कई बार बच्चे पूछते भी हैं, तो वैसे बच्चों में डाउट रहता है कि चूंकि आईएमएफ वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है, तो ये मुख्यतः डॉलर के रूप में ही काम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ में काम करती है एक बास्केट ऑफ करेंसीज। आईएमएफ मुद्राओं की टोकरी के अंतर्गत कार्य करता है, और इन बास्केट ऑफ करेंसीज के अंतर्गत 5 करेंसीज को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है यूएस डॉलर, दूसरा है ब्रिटिश पौंड, इसका दूसरा बास्केट ऑफ करेंसीज के अंतर्गत, तीसरा है यूरो, जो यूरोप कंट्रीज की, यूरोपियन यूनियन की जो है
करेंसी है। चौथा जापान की करेंसी येन, और इसमें पांचवी करेंसी जो आती है ये क्वेश्चन 2016 यूपीएससी में भी पूछा गया है, दैट इज रेनबिनी। रेनबिनी दैट इज ऑफ, ये जो करेंसी है ये चाइना की करेंसी है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है 2016 में, दैट रेनमिनबी इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, क्योंकि इससे क्योंकि 2016 से पहले तक आईएमएफ में जब 62 करेंसीज थी इसमें चार ही करेंसीज हुआ करती थी, लेकिन 2016 में इसमें ये पांचवी करेंसी ऐड की गई। और इन जो पांच करेंसीज होती है इन करेंसीज के आधार पर हर कंट्री जो हमने यहां पर अपना जो पैसा जमा किया आईएमएफ में उसके आधार पर हमारे करेंसीज को वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और उसके आधार पर निकाला जाता है एसडीआर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है कि व्हाट इज एसडीआर, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, बैंक्स हो, एसडीआर। एसडीआर इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ आईएमएफ। एसडीआर को हम आईएमएफ की करेंसी के रूप में जानते हैं। एसडीआर का अर्थ होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। और हमारा जो एसडीआर होता है यानी कि हमने जो पैसा अपना आईएमएफ के पास जमा किया हुआ है उसके आधार पर हमारा एसडीआर निर्धारित किया जाता है, और ये एसडीआर हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेन एक्सपोर्ट जो हमारा पता ही है, आरबीआई हमारा विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है, और एसडीआर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा भी बनता है। अब एसडीआर काम कैसे करता है इसके अंतर से हम चर्चा कर लेते हैं। एसडीआर एट प्रेजेंट विश्व में जो सबसे अधिक जो एसडीआर है आईएमएफ में दैट इज ऑफ यूएसए। एट प्रेजेंट यूएसए का एसडीआर है 16.4, यानी कि विश्व में जो टोटल आईएमएफ का पैसा है उसका परसेंटेज के आधार पर यूएसए का एसडीआर 16.4%। अगर हम इंडिया की बात करें एट प्रेजेंट इंडिया का एसडीआर है 2.74, यानी कि विश्व बैंक में जो पैसा जमा हो रखा है तो सॉरी आईएमएफ जितना भी पैसा जमा है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है दैट इज एसडीआर 2.74। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आईएमएफ हमने बोला कि आईएमएफ हमें फंडिंग करता है जब हम आर्थिक संकट में होते हैं। आईएमएफ में जो इंडिया की हिस्सेदारी है दैट इज एसडीआर 2.74, यानी कि एक प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया था बैंक्स के बारे में कि बैंकों को अपनी एक हिस्सेदारी आरबीआई के पास जमी करना करनी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये एक निर्धारित राशि जो बैंक अपनी आरबीआई में जमा करते हैं। सेम इसी प्रकार से हर एक देश को अपनी एक राशि आईएमएफ के पास जमा करनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड एसडीआर, यानी कि उस देश का ये एसडीआर होता है। अब जब आईएमएफ हमें लोन देता है तो इसी एसडीआर के आधार पर देता है, इस जो हमने ये राशि आईएमएफ जमा की हुई है इस पर आईएमएफ हमें किसी प्रकार का कोई ब्याज
नहीं देता है। अब यदि हमें आईएमएफ के पास, मान लीजिए हमारी भारत सरकार के पास या आरबीआई के पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पैसे को आईएमएफ के पास जमा कर देते हैं। जब हमने आईएमएफ के पास अपना पैसा एक्स्ट्रा जमा किया तो क्या हो गया, हमारा रेशियो था एसडीआर 2.74, जो बढ़कर, मान लेते हैं ये जब हमने अपना पैसा एक्स्ट्रा जमा किया तो ये बढ़कर हो गया एसडीआर 2.81, यानी कि ये प्लस हो गया 0.07 एसडीआर। अब इसके ऊपर आईएमएफ हमको इंटरेस्ट पेमेंट्स करेगा, क्लियर। और यदि मान लीजिए हमने आईएमएफ से लोन लिया तो आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ हमें हमारी इसी राशि में से लोन देगा। और मान लीजिए हमने लोन लिया आईएमएफ से और हमारा जो एसडीआर है वो घटकर हो गया 2.51, एसडीआर 2.51, यानी कि हमारी जो हिस्सेदारी थी -0.23 एसडीआर से कम हो गई। अब हमें इस जो हमारी राशि जो हमने लोन ली हुई है इसके ऊपर हमें आईएमएफ को ब्याज पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, यानी कि एक प्रकार से आईएमएफ हमसे पैसा लेकर, हमारा पैसा हमें लौटाकर, हमें एक प्रकार से हमारे ही पैसे से ब्याज भी लेता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंतर्गत आती है, आईएमएफ हमारे पास जो पैसा, आईएमएफ के पास हमारा पैसा जमा है सॉरी, इससे ज्यादा हमें वो ब्याज नहीं दे सकता, सॉरी इससे ज्यादा हमें लोन नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए हमारी जो राशि जहां पर जमा है हमें इससे ज्यादा का लोन चाहिए, फंड चाहिए, तब वो क्या करेगा, हमें वो किसी और से फंडिंग अरेंज करा देगा। मान लीजिए यूरोपियन यूनियन से करा दिया, अमेरिका से करवा दिया, या एशियन डेवलपमेंट से करा दिया, या किसी और देश से करा दिया। जैसे हम बात करें 2014-15 की बात करें, 2014-15 में जब ग्रीस में आर्थिक संकट आ गया था, जब वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब उस समय आईएमएफ ने जो ग्रीस को फंडिंग करी, अब पैसा कम पड़ गया, ग्रीस को भी और भी पैसा चाहिए था, तब ग्रीस ने अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से ग्रीस को और फंड दिला दिए। और एक चीज और याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म्स के लिए फंडिंग करता है, जबकि आईएमएफ शॉर्ट टर्म्स के लिए फंडिंग करता है, क्लियर। तो इस प्रकार से आईएमएफ आर्थिक संकट के लिए हमें लोन देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक आर्थिक, सामाजिक और अन्य विकास के लिए फंडिंग करता है। तो ये था हमारा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पार्ट, जो एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कस करने के अलावा हम डिस्कस करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ये कौन कौन से सूचकांक निकालते हैं और इन सूचकांकों में भारत कौन से नंबर पर है और विश्व में कौन नंबर वन कंट्री है, अगली वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से हमारा जो वीडियो है उसको ज्यादा से लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।